हम कर रहे थे ऑटोकैड मैकेनिकल। पिछली वीडियो में हमने देखा इंटरफेस, ठीक है, कि ऑटोकैड मैकेनिकल के इंटरफेस में और सिंपल ऑटोकैड के इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, और अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा इंटरफेस का। तो अगर वो देख लेंगे तो ऑटोकैड चलानी बहुत ईजी हो जाएगी मैकेनिकल वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस है, लाइन हमें लगानी हमारे को आती है। हमने एक छोटी सी ड्राइंग बना रखी है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें यूज़ कर रखी है, जैसे ये सेंटर लाइन यूज़ कर रखी है, सेंटर मार्क यूज़ कर रखे हैं, लेडर्स यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। तो कुछ बिल ऑफ मटेरियल हमने बना रखा है, तो इसको देखना है कि हमने कैसे कैसे क्या कहाँ काम आएगी हमारे को। तो सबसे पहले है सिमेट्रिक लाइन, ठीक है। अब जैसे ये ड्राइंग है हमारी, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, ये सेंटर लाइन दोनों सेम है, एक तरीके से मिरर किया हुआ है। तो ऐसी जगह पे जैसे सपोज करो मैं एक पहले रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे रेक्टेंगल में अब हमारे मेरे को सिमेट्रिक लाइन चाहिए है ना, तो सिमेट्रिक लाइन करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पूछ रहा है सेंटर लाइन बताओ पहले, तो सेंटर लाइन पे हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ऑन करके ऑब्जेक्ट स्नैप से सेंटर लाइन बनाएंगे। भाई ये मेरी सेंटर लाइन है, तो देखो सेंटर लाइन लग गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ भी बनाऊंगा, जैसे मैंने इधर को, इधर मैंने अगर बनाना शुरू किया और थो ऑन करके, तो यहाँ पे मैं वैल्यू भर देता हूँ मान लो 12, एंटर। तो ये दोनों साइड देखो बनने लग गए, उधर गए हम 12, इधर गए 12। तो एक साइड हम बनाएंगे, दूसरी साइड 34 कर देता हूँ मैं, दूसरी साइड ये ऑटोमेटिकली बनाता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं इस साइड बनाता जाऊंगा वैसे वैसे वो हमारे को दूसरी साइड ड्राइंग बना के देता जाएगा। तो कितना इजी हो जाएगा हमारे को दोनों साइड देखने में भी, बनाने में भी, फ्यूचर में हमारे को डिमेंशन करनी है तो उसके लिए भी। मतलब एक तरीके से मिरर वाला ही काम हो रहा है एक्चुअल में, बट वो बढ़िया तरीके से रहा है, ठीक है। तो ईजी हो जाता है। तो दोबारा से हम यहाँ पे तो हमने रेक्टेंगल बना लिया था, बट कोई ज़रूरी नहीं है रेक्टेंगल बनाना, सिमेट्रिक लाइन लो। तो वो कह रहा है सेंटर लाइन लगो, तो हम इसकी सीध में यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, और तो ऑन कर लेंगे तो स्ट्रेट लाइन लगेगी, ठीक है। जितनी लेंथ चाहिए हमारे को, 120 चाहिए तो 120 कर देंगे, तो ये मेरे पास सेंटर लाइन लग गई, ठीक है। अब उसके बाद मैं कहीं से भी स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे सपोज करो यहीं से कर लेता हूँ मैं, और तो ऑन कर लेते हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे एंगल पे लाइन हो, ठीक है, कैसे भी हम बना सकते हैं। तो उससे आपको बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम नियरेस्ट ऑन कर लें या परपेंडिकुलर ऑन कर लें तो सही रहेगा, परपेंडिकुलर कर लेते, ठीक है। तो ये हमारे को बहुत इजी तरीके से हमारा जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, सिमेट्रिक लाइन था ये, ठीक है। तो सिमेट्रिक हमारे को समझ में आ गया कि जैसे ही यहाँ पे ड्राइंग में दोनों ये इस वाली शेप में और इस वाली शेप में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे हमारे ये वाली शेप में और ये वाली शेप में तो बहुत थोड़ा सा फर्क है, तो जितना अगर सेम है तो उतना हम सेम सिमेट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। जो टर्निंग की जॉब है, लेथ टर्निंग की जितनी भी जॉब्स हैं लेथ मशीन के ऊपर जो भी हम काम करते हैं, तो उन चीज़ों को बनाने में हमारे को बहुत ईजी रहेगा। बेरिंग वगैरह बनाना है, उनका सेक्शन व्यू निकालना है किसी चीज़ का, किसी गोल चीज़ का सेक्शन व्यू निकालना है, तो वहाँ पे हमारे को बहुत काम आएगा ये सिमेट्रिक लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है जिगजैग लाइन, ये भी पहले ऑटोकैड में नहीं होती थी, अब इन्होंने डाल दी है नई जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन का क्या काम है ये देखो, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है, हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं और पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमें जी ये नेक्स्ट। तो देखो ये एक तरीके से जिगजैग की लाइन लग गई और उसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, ध्यान से। तो उसने ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट कर है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने जिगजैग वाला लिया या जैसे ही मैं सिमेट्रिक लेता हूँ, ठीक है, जब मैं सिमेट्रिक लेता हूँ तो जब मैं लाइन लगाता हूँ तो हमने हमारे को बताना नहीं पड़ता उसको लेयर कौन सी है, ठीक है। नहीं तो हमारे को बताना नहीं पड़ा, उसने ऑटोमेटिकली इसकी लेयर चेंज कर दी है, ठीक है। इसकी लेयर और इसकी लेयर देखो सेम मिलेगी आपको, इसकी लेयर सेम मिलेगी, ये भी AM7 है, ये भी AM7, यानी
पहले वाली है ऑटोकैड में हमारे को लेयर बनानी पड़ती थी, एक प्रॉब्लम थी। दूसरी फिर हमारे को हर बार सेलेक्ट करना पड़ता था, ठीक है, तो उससे हम बच जाएंगे। तो ये हमारे पास जिगजैग लाइन है, ठीक है, तो जिगजैग लाइन लो, क्लिक करो, जितनी लंबी लाइन चाहिए उतनी लंबी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कहीं पे हमारे को सेंटर लाइन वगैरह की जगह या ऐसी शेप चाहिए हमारे को, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, ये देखो स्केयर बना हुआ है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, बार स्केयर बना, मोस्टली ड्राइंगों में हमारे पास हमारे को रेक्टेंगल बनाना पड़ता है। तो रेक्टेंगल की बहुत सारी ऑप्शन नहीं आ गई हैं जो पहले वाली ऑटोकैड में नहीं थी। तो इसमें देखो हमारे पास यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये वन ये टू, यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो ये क्या लिखा हुआ है, या ये बताया हुआ है कहाँ कहाँ क्लिक करना है। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो वो डायगनली पूछता है मेरे पास दो एंगल, ठीक है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एट द रेट लेंथ कॉमा विड्थ, ठीक है, तो उतनी जितनी हम वैल्यू भरेंगे उतने का रेक्टेंगल लग जाएगा। या फिर हम यहाँ से ले सकते हैं रेक्टेंगल 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, तो तीनों पॉइंट दे देते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। देखो ये रेक्टेंगल कैसे हो, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम यहाँ से पहले इसकी लेंथ बता सकते हैं 90, और फिर ऊपर जा जा सकते हैं कितना चाहिए, मैं कहिए 80, तो मुझे एट द रेट भी नहीं भरना पड़ा और सिंपल इजी वे से रेक्टेंगल बन गया, ठीक है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल है, सबको एक एक करके देखना है। अब जैसे ये है मिड पॉइंट बेस, ठीक है, यानी कि अब मुझे इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट बेस को बेस मान के फिर रेक्टेंगल बनाना है कुछ इस तरीके, ठीक है ना, वो बिल्कुल सेंटर में बना। पहले हमारे को मूव कमांड लेके उसको साइड में से उठा के फिर सेंटर पे रखना पड़ता था, ठीक है। इसमें हमारे पास बना बना ये ऑप्शन आ गई, ठीक है, तो जो जो ऑप्शन है यहाँ पे हैं, देखो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड में डायमेंशन पूछेगा और थर्ड में हमारे को पॉइंट पूछेगा। तो फर्स्ट पॉइंट बता दो, सेकंड में लेंथ दे दो उसको, सिमेट्रिक लेंथ पूछ रहा है वो, मैंने कहा जी 30 लेंथ, और फुल हाइट कितनी चाहिए, मैंने कहा जी 80 चाहिए। तो सेंटर भी मिल गया, लेंथ भी मिल गई और हाइट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही रेक्टेंगल की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये सेंटर से रिलेटेड हैं, मतलब सेंटर, अब जैसे बिल्कुल इसके सेंटर में मुझे बनाना है तो पहले सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है, तो सेंटर पॉइंट अभी इसका आ नहीं रहा, यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ज्योमेट्रिक सेंटर ऑन कर लेना, ठीक है, तो फिर इसका सेंटर आने लग जाएगा। तो सेंटर पॉइंट लो और देखो ये रेक्टेंगल बनने लग गया, ठीक है, पहले ऑटोकैड में ये ऑप्शन नहीं थी हमारे पास सेंटर से बनाने की। और भी कई ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर डायमेंशन वाला भी है, सेंटर से इधर कितनी डायमेंशन है, इधर कितनी डायमेंशन, ये डायमेंशन दे देते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये दे देते हैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट से। अब ये हाफ डायमेंशन पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 20 भरूँ तो ये टोटल 40 की बनाएगा, और दूसरी साइड भी हाइट अगर मैं दूं तो, अगर इसको भी 20 दूं तो ये भी 40 बनाएगा, ठीक है। तो मैं एनोटेट में जाके डायमेंशन दे दूं, देखना अभी डायमेंशन दूंगा मैं, और जैसे ही मैं डायमेंशन दूंगा वो एक अलग लेयर में आती है, ठीक है, बाहर क्लिक कर दो, 40 आ गई ना, तो उसके लिए हमारे को लेयर नहीं बनानी पड़ी, ठीक है, तो इसकी जो लेयर है वो ऑटोमेटिकली बन गई, क्योंकि ऑटोकैड में सबसे मुश्किल काम यही लगता था कि बार बार लेयर बनाओ, फिर उसको सेलेक्ट करो, फिर मैच प्रॉपर्टी करो, तो वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम लग रहा था, ठीक है, तो ये उन्होंने इजी कर दिया। देखो इसकी लेयर अलग है, कभी भी हम कोई भी लेयर चूज कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना अगर हम, तो उसकी डिफॉल्ट लेयर वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक सिंगल चीज पे क्लिक कर, ठीक है ना, तो जो लेयर सिलेक्ट है उसका बल्ब अगर हम बंद कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी ये दोनों लाइन की भी दोनों कमांडें हो गई,
और मान हमने रेक्टेंगल भी देख लिए, ठीक है, इन सबको कर करके देखना। अगर कोई दिक्कत आएगी तो ये मेरा नंबर है, तो आप कॉल करके मैसेज करके या कमेंट, अगर कोई दिक्कत आएगी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, उसको लिख सकते हैं। बाकी बढ़िया है ये ऑटोकैड। नेक्स्ट और नेक्स्ट उसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन्स, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन को कैसे यूज़ करना है, क्लियर है, तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक की ऑप्शन हमने कर ली, जिगजैग की ऑप्शन कर ली।